वो तो कैसे हैं भाई साहब, एक नंबर। तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बेबी वुका, जो कि एकदम नए और बेस के साथ और नए डिजाइन और विद एक्स फंक्शन सिस्टम के साथ है, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले बताता हूं, ग्लास बेस होने वाला है इसका पूरा, साथ में आपको हर मॉडल में स्प्रिंग मिलने वाली है, आने वाली प्लस वन। इस वीडियो को मिला के आने वाले 10 मॉडल्स यानी टोटल 11 मॉडल्स में आपको जो दिखाने वाला हूँ। तो ये पहली वीडियो है, तो ये है बेबी वुका, 4 कलर हैं इसके अंदर, वेबसाइट hookalot.com पे देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, A to Z, व्हाट्सएप के ग्रुप्स दे रखे हैं, सब दिया हुआ है। व्हाट्सएप को ऐड कीजिए, अपने नाम और सिटी मुझे मैसेज कीजिए ताकि आपका नंबर हम सेव कर सकें। तो बताते हैं हुक्का के बारे में। तो इस हुक्का के साथ आपको मिलने वाला है लॉकिंग सिस्टम, ठीक है, एलॉय हैंडल पाइप, स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील की वाटर पाइप, स्टेम एक्स फंक्शन के साथ सिंपल, उसके बाद एलॉय की प्लेट और सिलिकॉन पाइप, ठीक है। चिलम जो है, बैग जो है, वो आपको वेबसाइट पे ऑप्शन आएगा, वहां से जाके खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हर हुक्के में यही है, आपको बैग, सिलिकॉन चिलम, कोल होल्डर, मिट्टी की चिलम चाहिए या कौन से चाहिए वो आपको वेबसाइट से ऑर्डर करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे मेरे भाई बोलते हैं लॉक वाली चिलम चाहिए, तो आप इसके अंदर कोई चिलम ना ले, उसकी बजाय लॉक वाली चिलम को आप ऐड कर सकते हैं अपनी हुक्का के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इस हुक्का के साथ सिलिकॉन चिलम और कोल होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। पानी इसमें डालना है यहाँ तक, ऑलरेडी फिल करा हुआ है मैंने। इस हुक्के का फ्लो जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसकी जो वाटर पाइप का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है, देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी वाटर पाइप है, ठीक है, लॉकिंग सिस्टम के साथ होने वाला है। तो इस हुक्का को रेडी करते हैं। प्लेट मैंने लगा के रखी है, पाइप लगा लेते हैं इसका यहाँ पर। तो हर हुक्का में स्प्रिंग होने की वजह से आपका कोई भी सिलिकॉन पाइप मुड़ेगा नहीं। तो ये हुक्का हमारा, पानी मैंने डाल के रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको लॉक लगा लेते हैं यहाँ पर, लॉक लग गया है। पाइप की नोजल आपको मिलती है इसके साथ, वो आप लगाएंगे इस साइड जो कि लग चुकी है, और एक पाइप जो हैंडल है जिससे आप हुक्का पीते हैं वो लगाएंगे इस साइड। तो आपका हुक्का रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसे लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप स्प्रिंग पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने स्प्रिंग का जो डायमीटर है उसको बड़ा कर दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ से आप डाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने में, ठीक है। अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो पहले भी लगा सकते हैं। तो इससे आपकी पाइप जो है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, और आपकी पाइप जो है वो मुड़ती नहीं है, बेंड नहीं होती है, और स्मोक रुकता नहीं है। तो सिलिकॉन चिलम और कोल होल्डर मैंने रेडी करके रखा हुआ है, लगा लेते हैं इसके ऊपर। चिलम क्लाउड के साथ आपको रबड़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस हुक्के का फ्लो काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा सोल्ड आउट भी हो चुका है मार्केट में। तो मैं एक बार इसका फर्स्ट ट्राई ले रहा हूँ, और फ्लेवर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, सारे हमारे पास हर्बल फ्लेवर होते हैं, कोई भी मैं टोबैको वाला फ्लेवर यूज़ नहीं करता ना बेचता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया हुक्का है, आइए इसका फर्स्ट ड्रैग लेके देखते हैं कैसा लगने वाला है। बेबी हुक्का इसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका फर्स्ट ड्रैग लेके देखते हैं कैसा लगने वाला है इसका स्मोक। स्मोक इज वेरी नाइस। तो सबसे अच्छी बात जो होती है हुक्के का फ्लो होना चाहिए, तो ये फ्लो देखिए आप इसका, तो जो हुक्का की हाइट है वो पूरे 18 इंच है, चिलम क्लाउड मिला के अगर आप चिलम हटा लेते हैं तो 16 इंच की हो जाती है, ठीक है। लॉकिंग सिस्टम है, सारी चीज़ें साथ में, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो है फ्लेवर जो आप अलग से लेंगे, और कोयला। ये हुक्के का स्मोक बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए इसका एक्स फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। तो इसका एक्स फंक्शन नॉर्मल है, कुछ अलग से नहीं है, सिंपल लुक में आता है जैसा वैसा है, बट काफी अच्छा है, दिखा देता हूँ आपको। कुछ अलग से लिए, ये नॉर्मल हुक्का है, बट इसका स्मोक की डेंसिटी जो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो सकती है जब आपको कोल होल्डर पूरा अच्छे से हीट हो जाए। तो मैंने हीट करके रखा है, बाकी धीरे धीरे आप स्मोक करेंगे, फ्लेवर से ग्लिसिन गर्म होगा और ज़्यादा स्मोक आएगा। स्मोक की डेंसिटी बहुत ही अच्छी है, तो वेरी नाइस मॉडल।
बेबी हुक्का V2 नए बेस के साथ बाय हुक्का लॉर्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपका दोस्त कोई हुक्का लेने की सोच रहा हो तो शेयर बटन पे दबा के उसको भेजिए और हमारे इंस्टाग्राम से वो बात करके या वेबसाइट hukkalord.com से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेता हूँ अलविदा, बाय बाय।